हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो वन बाय वन मैं लूँगी कुछ एनर्जीज दो डेक से और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट एक्शन। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। ओके, फर्स्ट कार्ड है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में, दैट इज़ एट ऑफ चैलिसेस। सेकंड वी हैव सिक्स ऑफ वांड्स, थर्ड द डेविल, फोर्थ एट ऑफ सोर्ड्स, फिफ्थ किंग ऑफ वांड्स एंड सिक्स्थ वी हैव द चैरियट। सो ये कलेक्टिव एनर्जी है आपके पर्सन की अभी इस वक्त। वी हैव डबल एट एनर्जी, यहाँ पर डेफिनेटली किसी तरह की नेगेटिविटीज़ को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन और आपकी तरफ लौट कर आने की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन लौट कर आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं। कलेक्टिव एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स विद नाइन ऑफ वांड्स, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। कोई ना कोई साइकिल इनके लाइफ की एंड होने वाली है, कार्मिक साइकिल या कोई बहुत बड़ा चेंज इनके लाइफ में आने वाला है। इंडिपेंडेंट बनते हुए नज़र आ रहे हैं, सेल्फ डिपेंडेंट होकर कुछ डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच कार्ड। फर्स्ट हम कलेक्टिव एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे, ओवरऑल एनर्जी को। नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है सेवन ऑफ पेंटिकल्स ने, मीन्स कि ये प्लानिंग कर रहे हैं ताकि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें और आपकी तरफ बढ़ सके। लेकिन ये बहुत शांति से प्लानिंग कर रहे हैं, ये जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी ये स्टेप्स लेने वाले हैं उसकी जानकारी इन्होंने किसी को नहीं दी है। हो सकता है कुछ क्लोज फ्रेंड्स को इन्होंने शेयर किया हो लेकिन उनको भी इन्होंने पूरी तरह से शेयर नहीं किया है। एट ऑफ चैलिसेस क्यों आया है, किस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जस्टिस निकलना चाहते हैं। देखिए एट नंबर को जस्टिस ने क्लैरिफाई किया है, आठ नंबर शनि का होता है और यहाँ पर न्याय की एनर्जी है। तो आपके पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं, इमोशनली किसी सिचुएशन से विड्रॉ करके न्याय करना चाहते हैं आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ। सिक्स ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वांड्स ने, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, बोल्ड एक्शन लेना चाहते हैं, फायरी एनर्जी है। बोल्ड एक्शन आपकी तरफ, इस रिलेशनशिप की तरफ आपके पर्सन लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, आपसे मिलने की एनर्जी है, बात करने की एनर्जी है, आपको कुछ एक्सप्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि इनको अब किसी का डर नहीं है, इन्हें कौन देख रहा है, कौन इनके बारे में क्या सोच रहा है, ये अब हिडन नहीं रखना चाहते हैं रिलेशनशिप को। द डेविल को क्लैरिफाई किया है पेज ऑफ सोर्ड्स ने, ये आपको लेकर इतने ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं कि ये आपको स्पाई भी कर रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। ऑब्सेस्ड एनर्जी है, जैसे कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे तक ऑनलाइन हो, किससे बातें कर रहे हो, ये सारी चीज़ें ये नोटिस कर रहे हैं। प्लस जब भी आपसे बात होगी बहुत ज़्यादा रोमांटिक कन्वर्सेशन हो सकती है। कहाँ स्टक हैं आपके पर्सन, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जिस भी सिचुएशन में स्टक हैं उस सिचुएशन में या तो चीज़ें बैलेंस करेंगे या उस सिचुएशन से रिमूव हो जाएंगे, निकल जाएंगे। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हैं जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना इग्नोरेंस वाली एनर्जी, उन सिचुएशंस को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उस सिचुएशंस को कट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ें चिपकी हुई हैं इनसे। जैसे कि वो जब तक रिलीज़ नहीं करेंगे परमानेंटली, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकालेंगे, तब तक वो चीज़ें इनसे जकड़ी हुई हैं। देखिए ये पर्सन है जो अपने तलवार से ये सारे जो इनकी बॉन्ड्स हैं उनको कट ऑफ कर रहा है, तो ये कट ऑफ करना चाहते हैं उन चीज़ों को ताकि सिचुएशन बैलेंस हो सके।
किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई किया है, दो कार्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपकी तरफ कोई फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर आपको दिख सकता है आपके पर्सन की तरफ से, प्लस मुलाकातें नज़र आ रही हैं, बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशन, बातचीत, डिस्कशंस नज़र आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी एक लेडी है जो फ्रूट्स खा रही है, और यहाँ पर भी देखिए बहुत सारे आपको फ्रूट्स नज़र आ रहे हों। यहाँ पर आपके जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं वो रिमूव होते हुए नज़र आ रही हैं, और एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव चैरियट एनर्जी। सो चैरियट को भी मैं क्लैरिफाई करूँगी दो कार्ड से। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्ड्स विद पेज ऑफ चैलिसेस। आपके पर्सन हैं तो सख्त, थोड़ा रूड है, थोड़ा एटीट्यूड है, थोड़ा एरोगेंस है, लेकिन फिर भी ये आपकी तरफ अपने इमोशंस का कप लेकर लौटते हुए वापस आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के पर्सन विद अ स्माइल लौट कर वापस आने की एनर्जी है। चैरियट के साथ आपको कोई स्मॉल जेस्चर मिल सकता है। न्यू मून आपके लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, तो यहाँ पर हो सकता है बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो गए हों, और जिन्हें नहीं हुए हैं उन्हें भी बहुत जल्द किसी न किसी तरह का जेस्चर डेफिनेटली रिसीव होगा। सो ये है आज की एनर्जी इस डेक से जो निकल कर आई है। कुछ कार्ड्स हम लेंगे आपके लिए, फीलिंग्स क्या हैं अभी इस वक्त। अभी इस वक्त आपको लेकर आपके पर्सन के दिल दिमाग में क्या है, फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है द स्टार, होपफुल हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेन ऑफ चैलेंजेस, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं लेकिन ये फिर भी उन चैलेंजेस को कट ऑफ करेंगे, कंप्लीशन तक आएंगे आपके साथ। द चैरियट, दोनों डेक से द चैरियट का कार्ड आया है। यहाँ पर क्लियरली जो एनर्जी है वो है कंप्लीशन की, विद द स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। सो ज़्यादातर लोगों के पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी में हैं, ज़्यादातर लोगों के पर्सन चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वापस आएँ, बिकॉज वी हैव द चैरियट कार्ड अगेन, तो ये लौट कर वापस आते हुए नज़र आ रहे हैं। टेन ऑफ विजन्स, आपके साथ कंप्लीशन फील करते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसी इनकी विशेज़ हैं, ऐसी ये मैनिफेस्टेशंस हैं, क्रिएटिव करना चाहते हैं, जो विशेज़ हैं उनको क्रिएट करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ सोच के इमेजिन करके छोड़ दें, ऐसा नहीं है चीज़ें। हाँ, इनके बस की कुछ चीज़ें नहीं भी हैं, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। समटाइम्स ये बहुत अच्छा सोचते हैं, समटाइम्स ये बहुत डिप्रेस्ड भी हो जा रहे हैं, लेकिन ये स्टेप लेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं, और आपसे बात करने के बाद इनको एक और बूस्ट मिलेगा इनके इस एक्शन में। तो पेशेंस रखिए, बहुत सारे लोगों के पर्सन थोड़ा स्ट्रेस्ड तो हैं लेकिन बहुत जल्द इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपके तरफ, आपके पर्सन का, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। वी हैव ब्रेक थ्रू, जस्टिस कार्ड, देन वी हैव द बर्डन। बर्डन को ख़त्म कर देंगे आपके पर्सन, जो भी बर्डन है, जो भी बोझ है, वहाँ पर न्याय होगा। वी हैव जस्टिस कार्ड विद सिक्स ऑफ सोर्ड्स, मूविंग ऑन। यहाँ पर वी हैव रीबर्थ एनर्जी विद टू ऑफ सोर्ड्स, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, वहाँ पर रीबर्थ होगा, एक परफेक्ट डिसीजन वहाँ पर लिया जाएगा। किससे रिलेटेड, टू ऑफ कप्स, यूनियन से रिलेटेड। एंड वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ बड़े चेंजेस, कुछ मेजर चेंजेस, ये जो चीज़ें हैं ये घटित होने वाली हैं आने वाले समय में। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है नंबर 6, माइनर अरकाना, वी हैव 6 नंबर। सो 6 आवर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों के लिए 15 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 24 आवर्स, कुछ लोगों के लिए 6 दिन भी हो सकते हैं। लेकिन इन 6 दिन में जो एक मेजर शिफ्ट, एक मेजर चेंज आने वाला है, वो बहुत ही वास्ट चेंज है, एक बहुत ही डीपर लेवल का चेंज यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, जस्टिस क्यों आया है एंजल्स, गोइंग विद द फ्लो। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है गोइंग विद द फ्लो, जिस सिचुएशन में स्टक हैं, जिस सिचुएशन में बंधे हुए हैं आपके पर्सन, उस सिचुएशन से एक फ्लो में बाहर निकलेंगे आपके पर्सन।
रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है? करेज, रीबर्थ के लिए करेज चाहिए। किसके लिए? जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है। नंबर थ्री, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस हैं, जो भी मैनिपुलेटिव एनर्जीज हैं, वहाँ से बाहर निकलने की एनर्जी है। कौन है थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्या कन्फ्यूजन है? वी हैव टू कार्ड्स, जस्ट अ सेकेंड। वी हैव लेजीनेस, गिल्ट एंड फ्लावरिंग। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, इनकी विश है कि ये गिल्ट से बाहर निकल जाएं। अगर इनसे कोई जाने अनजाने गलतियाँ हुई हैं, ये उससे बाहर निकल जाएं। ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अगर इनसे पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जो कि आपको हर्ट किया है, तो इनको उस चीज़ का भी रियलाइजेशन है। बहुत सोच समझ कर आपकी तरफ रिटर्न आने की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में? ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिफाई किया है थंडरबोल्ट ने, मींस डेथ को क्लैरिफाई किया है टावर ने। यहाँ पर कुछ बड़ा चेंज होने वाला है और ये भी डिवाइन इंटरवेंशन है, ये आम बात नहीं है, ये बहुत मेजर चेंज है। क्या मेरे व्यूवर्स के साथ रीयूनाइट होंगे आपके पर्सन? यस, वी हैव द मास्टर विद पेशेंस। आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल रीयूनाइट होंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, सब्र के साथ वेट करने की ज़रूरत है। पूरी प्लानिंग आपके लिए कर रहे हैं आपके पर्सन। सो ये जो एनर्जी है, ये आज का मेन एनर्जी यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो जो भी चीज़ें हैं वो बहुत क्लियर हैं और आने वाले 6 आवर्स 6 डेज थोड़े से हैवी नज़र आ रहे हैं। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। पहला मैसेज है मेरे व्यूवर्स के लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। मेकिंग टाइम फॉर योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस विल असिस्ट यू विद क्लियरिंग योर माइंड एंड रीस्टोरिंग योर इनर पीस। अगर आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हैं, तो मेडिटेशन ज़रूर करें, कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, थोड़े टाइम भगवान से बात करें। जैसे आप दूसरों से बोलते हैं, वैसे आप भगवान से बोल दें, आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा आपका बोझ हल्का हो गया। डिवाइन प्लान, योर सोल हैज़ अ मास्टर ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ पाथ दैट इट होल्ड्स विद इन इट, इट विल नेवर स्टीयर यू इन द रॉन्ग डायरेक्शन। आपको आपका जो डिवाइन पाथ है उससे गलत डायरेक्शन में ले ही नहीं जाएंगे, डिवाइन का प्लान ऐसा होता है, तो सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही होता है। थर्ड मैसेज है आपके लिए, इंस्पायर्ड एक्शंस। नंबर 2-2, फोकस ऑन इंस्पिरेशन एंड द एक्शन स्टेप्स विल फॉलो एफर्टलेसली। आपको सिर्फ इंस्पिरेशन के साथ आगे बढ़ना है, बाकी जो चीज़ें हैं वो कायनात खुद आपके लिए करेगी। थैंक्स योर लकी स्टार्स, जो भी आपके लकी स्टार्स हैं, जो भी आपके गाइड्स हैं, गुरु हैं, जो भी आपके लाइफ में आपके वेल विशर्स हैं, उनको थैंक्स ज़रूर करें। सो ये थी आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी और गाइडेंस मिली होगी। रीडिंग पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें। और मैंने 3 राशियों की 2023 की प्रेडिक्शन डाल दी है, तो अगर आपकी राशि एरीज है, जेमिनाई है या टॉरस है आपकी असेंडेंट, तो आप ज़रूर से जाकर उस वीडियोज़ को देखिए। और अभी बाकी राशियों की भी वीडियोज़ 1 बाय 1 पोस्ट होती रहेंगी। सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं जल्दी ही। बाय बाय।